किस्म के फ्री लेक्चर के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन। आज हमारा सॉफ्टवेयर है मैक्रोमीडिया फ्लैश। मैक्रोमीडिया फ्लैश किस लिए यूज़ किया जाता है? ये एनिमेशन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। वेब डिज़ाइनिंग पे जो आप एनिमेशन करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। शेप के ऊपर एनिमेशन अप्लाई की जाती है, कार्टून्स डिज़ाइन किए जाते हैं उसके जरिए किए जाते हैं। ठीक है, आपने एनिमेटेड कार्टून मूवीज़ वगैरह देखी होंगी तो वो उसी के जरिए डिज़ाइन किया जाता है, उस पर बनाया जाता है। अब माइक्रोमीडिया फ्लैश का आपके पास जो भी वर्जन अवेलेबल हो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सब में काम एक जैसा होता है, सिर्फ ऑप्शंस के नाम कुछ चेंज होते हैं। क्योंकि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है माइक्रोमीडिया फ्लैश 8। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है जो आपके पास इंस्टॉल है। ठीक है, इस तरह से अब आपने यहाँ से क्या करना है, फ्लैश डॉक्यूमेंट्स लेना है। फ्लैश डॉक्यूमेंट्स लेकर काम करें, इसके ऊपर हम अपनी शेप डिज़ाइन करें और फिर एनिमेटेड करें, हम उस पर एनिमेशन अप्लाई करें। ठीक है, और फिर अपनी शेप्स और जो भी चीज़ हम ड्रॉ कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उसके ऊपर यहीं से एनिमेशन अप्लाई करें। तो आप यहाँ से फ्लैश डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। फ्लैश डॉक्यूमेंट जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो इसकी फाइल आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आज हमारे माइक्रोमीडिया फ्लैश में टॉपिक नंबर 7 है, अल्फा ऑन इमेज ट्रांसपेरेंसी अफेक्ट ऑन पिक्चर। अल्फा ऑन इमेज यानी कि किस तरह से पिक्चर को या इमेज को फोटोशॉप सॉरी फ्लैश के अंदर, माइक्रोमीडिया फ्लैश के अंदर किस तरह से मूव करवाते हैं। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट अफेक्ट देते हैं। जिस तरह से अब आपने देखा होगा कि आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर शेप्स के ऊपर अफेक्ट देते रहे हैं, वही सारे अफेक्ट्स उसी तरह से हम किस तरह से पिक्चर के ऊपर अफेक्ट देकर उसे एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको फ्लैश के अंदर पिक्चर लानी होगी। तो पिक्चर किस तरह से फ्लैश के अंदर लेकर आते हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से फाइल मेन्यू में जाएंगे। फाइल मेन्यू में जाने के बाद आप यहाँ से इम्पोर्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इम्पोर्ट में जाने के बाद यहाँ से आप इम्पोर्ट स्टेज सेलेक्ट कर लेंगे, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आर। ठीक है, अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं डायरेक्टली कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस कर देंगे, नहीं तो यहाँ ऑप्शन में से जाके यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ ऑप्शन में आने के बाद अब यहाँ से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप अल्फा करवाना चाहते हैं, अल्फा मतलब अल्फा अप्लाई करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी अफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर ली, डबल क्लिक कर लिया उसके ऊपर तो यहाँ आपके पास फ्लैश के अंदर ओपन हो जाएगी। अब देखिए पिक्चर का साइज बहुत बड़ा आया, मुझे पिक्चर का साइज छोटा करना है। तो मैंने आपको बताया था कि हम एक टूल यूज़ करते हैं जो कहलाता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, जिसकी शॉर्टकट की क्यू। ये क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट पिक्चर या शेप के साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने में काम आता है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ले लेंगे और ये जो आपको पिक्चर के कॉर्नर में डॉट नजर आ रहा है इन पर क्लिक करके हम आपकी पिक्चर का साइज छोटा कर लेंगे। और पिक्चर का साइज छोटा करने के बाद हम क्या करेंगे, पिक्चर को उठाकर पेज से बाहर मूव कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करना है। उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, तो पेज के बाहर से मूव कर देंगे। अब मूव करने के बाद हम उस पर एनिमेशन अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले सिलेक्शन टूल लेंगे और पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन टूल लेने के बाद पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद अब यहाँ से क्या करेंगे, टाइमलाइन में आएंगे। टाइमलाइन में आने के बाद यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे क्रिएट मोशन व्हील। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से फ्रेम 15 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फ्रेम 15 पे क्लिक करने के बाद आप कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे और इस तरह से अपनी इमेज को उठाकर पेज के सेंटर पॉइंट पे सेंटर में मूव कर देंगे इस तरह से। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से फ्रेम 30 पे क्लिक करेंगे, फिर F6 प्रेस करेंगे। फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लेंगे, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ कॉर्नर वाले डॉट से पकड़ के पिक्चर का साइज इंक्रीज कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल F3 से प्रॉपर्टीज ओपन करनी है। प्रॉपर्टीज ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके पास कलर का एक ऑप्शन आ रहा होगा, इस कलर ऑप्शन में जाकर आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है अल्फा। ठीक है, तो अल्फा क्या करेगा, आपकी पिक्चर के ऊपर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट दे देगा, यानी कि पहले आपकी पिक्चर एनिमेशन की तरह मूव होके आएगी पेज के बाहर से, फिर जब मूव होके वो सामने इस तरह से बड़ी हो जाएगी जो हमने उसके ऊपर एनिमेशन के थ्रू ट्रांसफॉर्म क्रिएट करके किया है। तो उसके बाद जब हमारी पिक्चर इस तरह से बड़ी हो जाएगी तो उसके बाद हम उसके ऊपर अल्फा अप्लाई कर देंगे, जिससे वो ट्रांसपेरेंट अफेक्ट के अंदर चली जाएगी। ठीक है, उस पर ट्रांसपेरेंसी अफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से अल्फा सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसी के साथ यहाँ पे 100% लिखा हुआ आएगा, ये अल्फा अमाउंट कहलाता है। आपने क्या करना है, इस अल्फा अमाउंट को डिक्रीज कर देना है। ठीक है, ताकि बिल्कुल लाइट हो जाए आपकी पिक्चर। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपने इसका रिजल्ट देखना है। तो रिजल्ट देखने के लिए आप यहाँ से कंट्रोल वाले मेन्यू में जाएंगे। कंट्रोल मेन्यू में जाने के बाद यहाँ से टेस्ट मूवी पे क्लिक कर देंगे और उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एंटर।
अगर आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्टली कीबोर्ड से आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपके इस तरह से रिजल्ट शो हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से आप अपनी पिक्चर के ऊपर एनिमेशन अप्लाई करके उसे अल्फा के जरिए ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट भी दे सकती है। तो ये आपका आज का मैक्रोमीडिया का टॉपिक नंबर 7 अल्फा ऑन इमेज ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट ऑन पिक्चर कंप्लीट हो गया है। आप इसे नोट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मज़ीद फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन।